हाय दोस्तों, मेरा नाम डेविड है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ ए सीलिंग फार्मूला। सीलिंग यानी छत तो नहीं हो सकती, छत तो है वाकई, इसका मीनिंग तो छत ही है, लेकिन अगर हम एमएस एक्सेल में इसका यूज़ देखेंगे तो उसका तरीकाकार एक अलग से है। सीलिंग फार्मूला हम यूज़ करके आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, ये देखें, इसको छोटा करता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है होटल का नाम, पीसी होटल। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, कलर कौन सा होना चाहिए इसके लिए, ये वाला ठीक है, पीसी होटल। तो इसको मैंने बॉर्डर देता हूँ ताकि एक अच्छे तरीके से नज़र आए, ये बॉर्डर वाला है। यहाँ से अब आप आके ऑल बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर लग जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सीलिंग फार्मूला करता क्या है? सीलिंग फार्मूला ये होता है कि जब आप किसी होटल में जाकर रहते हो, मिसाल के तौर पर इशफाक है सबसे पहले ये जाके एक होटल में रहता है, तो उस होटल की बिलिंग है 7 डे, यानी कि आप 4 दिन भी रहेंगे तो वो 7 दिन 7 दिन के ही बिलिंग करेंगे, यानी कि बिल पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। उन्होंने 7 दिन ही रखा हो, अगर आप 6 दिन रहेंगे फिर भी वो 7 दिन की बिलिंग लेंगे, अगर 9 दिन रहेंगे तो फिर भी वो 7 दिन के हिसाब से कटौती करेंगे। कटौती यहाँ पे 7 दिन है, यहाँ से डबल हो जाएगी। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करता है ये बिलिंग फार्मूला, ये सीलिंग फार्मूला कैसे काम करता है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इज इक्वल टू सीलिंग आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, फिर ये इसका देखते हैं क्या करता है सीलिंग। सॉरी, सीलिंग ये वाला है, सीलिंग टैब वो बटन प्रेस किया। अब ये कह रहे नंबर बताएं, सिग्निफिकेंट नंबर बताएं, तो मैं इसको ये बता देता हूँ, सॉरी ये वाला ही बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिए, मैंने यहाँ पे नंबर बता दिया, इसको नंबर 4 दिन बता दिया। अब मैं कोमा लगाऊंगा तो ये कह रहा है सिग्निफिकेंस क्या चाहते हो। यहाँ पर आपने सेट करना है कि कितने दिन की बिलिंग आप रखना चाहते हो, 7 दिन की रखना चाहते हो, तो मैं 7 दिन की बताऊँगा, यहाँ पर 7 दिन की बता देता हूँ, तो आगे फिर आपको चेंज करके भी बताऊंगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करूँगा, देखें 7 दिन की होगी, अगर 4 दिन भी रहेगा 7 दिन रहे होएगी। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे तक लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ़ायदा हो गया, यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ है कि अगर कोई 9 दिन रहता है फिर भी उसको 14 दिन की बिलिंग देनी पड़ेगी, पेमेंट उसको 14 दिन की ही देनी पड़ेगी। अगर वो 11 दिन रहेगा फिर भी 14 दिन, अगर 13 दिन रहेगा फिर भी 14 दिन, अगर यानी कि 7 दिन से अगर 1 दिन भी ऊपर जाता है, 8 दिन भी रहता है, तो फिर भी उसको 14 दिन की बिलिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि बिलिंग सेटिंग जो है ना वो 7 दिन की हुई है। इस तरह ये एक फ़ायदा देता है फार्मूला। अब इसका कमाल है, ये भी एक चेक करके देखते हैं, यहाँ पे भी इसको मैं यहाँ से डेल करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ बिलिंग और सेट करके देखता हूँ, इज इक्वल टू CEIL सीलिंग, टैब का बटन प्रेस किया। अब ये कह रहा है सिग्निफिकेंट नंबर बताओ, मैं कहता हूँ ये वाला है, कोमा लगाया। अब मैं कहता हूँ अगर मैं 8 दिन की कर देता हूँ, या 10 दिन की, या 11 दिन की कर देता हूँ बिलिंग सेटिंग, अभी देखें क्या करता है। ये मैंने डिजिट दे दिए, 11 दिन मैंने सेट कर दिया, देखें अब ये क्या कर रहा है। अगर 4 दिन रहेंगे तो बिल आपको 11 दिन सेट हो चुका है, अभी नीचे तक देखते हैं ये क्या करता है, ये देखें 22 दिन सेट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये काम आता है, इस काम के लिए आप अपनी मर्ज़ी से दिन सेट कर सकते हैं, डे आप जितने मर्ज़ी रहेंगे, लेकिन मैं अभी आपको दोबारा से एक दफ़ा फिर वही सेटिंग करके दिखाता हूँ। सीलिंग टैब का बटन, आगे आपको अच्छे तरीके समझ आ जाए, नंबर बता देता हूँ उसको ये वाला, कोमा लगाता हूँ। अब मैं जो वैल्यू सेट करना चाहता हूँ, 7 दिन की कटौती हो, उससे कम ना हो, सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिखा हुआ हाईलाइट हो गया, 7 दिन से कम ना कटौती करे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 7 दिन फिक्स कर देता हूँ, इससे कम कोई कटौती ना करे 7 दिन। अगर 8 दिन भी कर सकता हूँ, 5 दिन भी कर सकता हूँ, अगर देखें यहाँ मैं 5 दिन की कर लेता हूँ, अभी देखते हैं क्या करता है। 5 दिन मैंने सिग्निफिकेंस वैल्यू सेट कर दी है, एंटर करूंगा तो देखें 4 दिन भी रहेगा तो 5 दिन की बिलिंग होगी। इसी तरह इसको नीचे तक कॉपी कराएंगे तो आप देखें यहाँ पे आपको खुद खुद अंदाज़ा आ जाएगा।
छः दिन रहेंगे फिर भी 10 दिन की बिलिंग होगी, इसी तरह बिलिंग जो सेटिंग करेंगे उस हिसाब से होगी। 11 दिन होगा तो फिर आपको 3 यानी कि बिलिंग जो आपको ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 3, 5, 5, 15, 15, 15 के हिसाब से बिलिंग होगी, 15 दिन की बिलिंग होगी। ठीक है, अगर आप 11 दिन भी रहते हो तो 15 दिन की बिलिंग आपको देनी पड़ेगी। इस तरह आप ये जो फार्मूला ये काम आता है। तो दोस्तों आप सिग्निफिकेंस वैल्यू सेट कर सकते हैं इस असूल के तहत, अगर आप कोई काम भी करते हैं किसी भी कारोबार में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपका माइंड है आप किस काम के लिए इसको इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, सीलिंग फार्मूले को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मसला परेशानी तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरी कोशिश होगी आपको उसका रिप्लाई किया जाए। और आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए वीडियो आपको जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल को जब मेरी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल होगा और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।